होने वाले खतरों और उसके प्रति जागरूकता के लिए राज्य सरकार ने 17 मार्च को तंबाकू उत्पाद निषेध अभियान दिवस मनाने का निश्चय किया है। इसी संदर्भ में हमारे विद्यालय से जिस दीपक नगर के बच्चे क्विज, पोस्टर मेकिंग, ड्राइंग, स्लोगन, आश्रम एवं अन्य प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर Today we are here for awareness of no tobacco consumption, for informing the public about the dangers of using tobacco. The member states of the WHO created World No Tobacco Day in 1987 to draw global attention to the tobacco epidemic and the preventable death and disease it causes. मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किसी किराने की दुकान से तंबाकू के पाउच ले आते, गली गली में बच्चे दिखते, खुल्लम खुल्ला गुटखा खाए, बारी उम्र और ये गुटखा कैसे कैसे लोग बुलाते, तड़प तड़प कर निश्चंदने हाथ मौत को गले लगाते, ढेरों जहर भरे गुटखा में टीवी का आगाज कराते और अस्थमा के कंधे चढ़ मरघट तक का सफर कराते, मर्ज कैंसर को जाने पर लाखों रुपए रोज बहाते, कितनी भी हो रही चिकित्सा फिर भी प्राण ना बचा पाते, सरकारी हो या हल्ले में भी तंबाकू को जहर बताते, पता नहीं क्यों अभी बच्चे गुटखा खाते नहीं। तंबाकू उत्पाद निषेध अभियान दिवस के अवसर पर सेजस दीपक नगर के 4 हाउस के बच्चों के बीच हमने छोटा सा क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। ये है हमारा शिवनाथ हाउस, ये हमारे अर्पा हाउस के बच्चे, ये महानदी हाउस के बच्चे और ये है इंद्रावती हाउस। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में तंबाकू पहली बार कब और किसके शासनकाल में पेश किया गया था? श्रीमान, सन 1613 में अकबर के शासन में कुल किया गया। वेरी गुड। हमारा दूसरा प्रश्न है, कब और किस सम्राट ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? अरपा हाउस, 1617 में जहांगीर ने। वेरी गुड। हमारा तीसरा प्रश्न है, कोटपा की धारा 4 क्या है? महानदी। कोटपा की धारा 4 प्रश्न है, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? वेरी गुड। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू मुक्त पहला गांव कौन सा है? नागालैंड का है। भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में होता है? वेरी गुड। और हमारा लास्ट प्रश्न है, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा?